हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हो कैसे कहते तू, क्या हाल चाल है जी। एनीवेज वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस शो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो का आइडिया इंस्पायर्ड है एक इंडियन यूट्यूबर थगेश से। तो कमेंट्स में ये लिखना कि नोमी तू कॉपी कर रहा है, उसको कोई फायदा नहीं होगा। मैं खुद ही बता रहा हूँ कि ये वीडियो इंस्पायर्ड है एक इंडियन यूट्यूबर थगेश से। तो इसके साथ ही मैंने काफी लोगों के कमेंट्स भी फेल कर दिए जिन्होंने कमेंट्स में ये लिखना था नोमी तू तो कॉपी कर रहे हैं। अजीब लोग हैं यार, वाकई अजीब होते हैं ये। ओ बात सुन मेरी, हेलो हेलो जी। हाँ जी, इतनी देर से मैं खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, मेरी चेयर किधर है? सर आपकी इतनी औकात ही नहीं है कि आप एक चेयर ले सके। रोल द इंट्रो। कैसा लगा इंट्रो? एनीवेज अक्सर ऐसा होता है कि ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं कि जिसके ऊपर बोलना तो बनता होता है लेकिन उन पर बंदा पूरी वीडियो नहीं बना सकता। तो हम लोग क्या किया करेंगे, हम लोग वो सारी बातें एक जगह पे मिक्स किया करेंगे और इस शो में हम लोग उन्हीं बातों पे डिस्कस किया करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में मैं क्या कवर करूंगा, तुझे पता है कुछ? मुझे क्या पता। हाँ, तुझे कहाँ से पता चलना, खेल के मैं यही तो काम है तुझे पूरे दिन में। एक आइडिया आया, मैं खबरी को कॉल करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि उसके पास कोई ना कोई खबर तो होगी। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम खबरी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह नौमी, मैं तो ठीक ठाक, आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जबरदस्त। अच्छा यार, मुझे ना कोई ऐसी न्यूज बताओ कि जो मैं अपनी वीडियो में कवर करूँ और मुझे व्यूज ही व्यूज आए। ऐसी तो बहुत न्यूज है मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ। आपको उसका पता चला है? यार मुझे ना शुरू से बताओ। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, उस दूसरे का पता चला? नहीं यार, मुझे शुरू से बताओ, शुरू से। तमाम ही छोटे मोटे अच्छे बुरे काले गोरे बूढ़े जवान को खबरी का सलाम। तो कैसे हो सब लोग? तो आज मेरे पास नौमी भाई के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नहीं यार, अच्छा जी भी सीन है यार। एनीवेज जो पहली न्यूज आ रही है वो इसके आईफोन के बारे में आ रही है। स्क्रीन ने आईफोन लिया, उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो उसने अपने चैनल पे डाली और लोगों ने इसको कहना शुरू कर दिया कि इसके आईफोन के पीछे एप्पल का लोगो नहीं है। यार 12 सीरीज में नहीं होता एप्पल का लोगो इतना विजिबल। ऐसे कमेंट्स वगैरह पढ़ के ये तो दिल छोड़ चुका था, लेकिन मैंने इसे मशवरा दिया। मैं कहा यार इजी हो, ऐसे कोई मसले की बात नहीं है, जाके ना अपने आईफोन का कोई कवर खरीद के ले आ। हम किडनी बेच के तो इसने मोबाइल लिया था, ये कहाँ से कवर लाता? खैर मैंने इसको पैसे दिए, मैं कहा जाके कवर ले आप। ये कवर ले गए, इसके पीछे एप्पल का लोगो फुल विजिबल है। अब आप लोग बताओ, आपको सुकून है जी? अगली चीज जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है जैद अली की तरफ से। तो जैद भाई को बहुत बहुत मुबारक हो कि उनके घर कंटेंट पैदा हुआ। बेटा है उसका, बेटा पैदा हुआ है उसके घर। नहीं वो कंटेंट ही है। यार तू पागल है, हम मुझे बोलने दे, मैं बताता हूँ। पिछले 6 महीनों में जैद भाई की 8 वीडियोस आई हैं और उन 8 में से 5 वीडियोस इनके बेबी के बारे में। हम लोग क्यों ना कहें कि इनके घर कंटेंट पैदा हुआ है। वो जो 5 वीडियोस इनके बेबी पे है उनमें से 4 वीडियो तो उस वक्त है जब वो बेबी दुनिया में भी नहीं आया था और अब तो बेबी दुनिया में आ चुका है। तो माशाल्लाह फिर जैद भाई को बहुत बहुत मुबारक हो कि इनके घर कंटेंट आ गया। अच्छा आप लोगों को ना मैं जैद भाई की कुछ अगली आने वाली वीडियोस के टॉपिक्स भी बता देता हूँ। माय बेबी कॉल्ड मी बाबा फॉर फर्स्ट टाइम, माय बेबी कॉल्ड यूमना मदर फॉर फर्स्ट टाइम, शॉपिंग फॉर माय बेबी फर्स्ट वॉक, माय बेबी फर्स्ट टीथ और इसी तरह की और भी बेबी से रिलेटेड बहुत वीडियोस आने वाली है। इससे अगली न्यूज आ रही है हमारे पास जन्नत मिर्जा के बारे में कि जिन्होंने टिकटॉक बैन होने पे ये कहा था कि टिकटॉक तो बैन हो गई है, इसके साथ ही यूट्यूब का भी बैन होना चाहिए। अब बैन है ओके, और उससे दोबारा अनबैन कर दिया जाता है, देन अगेन बैन कर दिया जाता है, देन अगेन अनबैन कर दिया जाता है। अगर आप लोग फहाशी की बात करते हैं तो यूट्यूब पे जो मर्जी लिखो आ जाता है ओके, और आप वहाँ पे ऐसी वीडियोज देखते हो। तो अगर टिकटॉक से फहाशी आम हो रही है तो क्यों ना हम यूट्यूब को भी बैन कर दें। मैं बस अपने थॉट्स शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। जन्नत मिर्जा देखिए आप ना सोचा करें, आप रहने से सोचने को, आपका इतना सा तो दिमाग है, आप क्यों प्रेशर डाल दिए बिला वजह? आपका वो इतना सा दिमाग भी ना हीट होके पटाखा मार देगा। इससे अगली न्यूज आ रही है हमारे पास नासिर खान जान के बारे में। तो जी हाँ, इनकी शादी हो गई। तुझे क्या हुआ? जी तो नासिर खान जान की शादी हो गई और मैंने इनकी शादी की तस्वीर वगैरह देखी तो मुझे लगा इनकी शादी इसके साथ हुई है, लेकिन वो तो बाद में पता लगा कि ये नासिर खान जान की बेगम नहीं है, ये नुमान खान है। एक तो मेरा हम नाम है, मैं इनसिक्योर हूं। आप खुद देखो ये वीडियो और मुझे बताओ कि आपको क्या लगा था। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? ठीक ठाक है?
सो फाइनली आपका फैन मान खान की लेजेंड इज हियर और नासिर खान जान की आज शादी है और मैं यहाँ मौजूद ना हूँ, ये हो नहीं सकता। लेकिन अब ऐसी बात भी नहीं है, जो नासिर खान जान भाई है ना ये बहुत सैवेज है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो नासिर खान जान की शादी वगैरह की वीडियो की विश वगैरह या बर्थडे की विश वगैरह ये बनाते होते हैं। तो इसी से रिलेटेड इन्होंने ट्विटर में एक पोस्ट की, हनीमून पे जाने वाला हूँ एक दो दिन में, तो जिसने बर्थडे या शादी वगैरह की वीडियो बनवानी है वो मेरी टीम से व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर ले। इन पे इनको एक बंदा कहता है ब्रो हनीमून लाइव आएगा तो 5,000 दूंगा। अब मुझे बताओ कि हमारे नासिर खान जान भाई ने क्या रिप्लाई दिया होगा, खुदा ऐसा साला किसी को ना दे। उसके बाद न्यूज आ रही है कि यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर ने इसको रिप्लाई किया है। हाँ वो देखा है मैंने। हाँ देखा ना तूने रिप्लाई। लेकिन मेरे ना जहन में एक सवाल आ रहा है। तुझे कोई सवाल पूछने की इजाजत नहीं है, मैं खुद ही पूछ लूंगा, मेरा शो है, मुझे पता क्या करना है। गजब बेइज्जती है। हाँ तो उसने रिप्लाई तो किया, लेकिन मैं बड़े दिल से ये पूछना चाहता हूँ कि ये नमो नमो क्या होता है। ओ नोमी, नमो नमो करवा दूंगा तेरे मुंह से, समझ गया? अगली बार रोस्ट मत मार दिया वरना यूट्यूब के अंदर घुस के ना बवंडर ला दूंगा, बवंडर नमो नमो कर दूंगा। एनीवे जिससे अगली न्यूज आ रही है हमारे पास अफगानिस्तान के बारे में, तो सबको पता ही है कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तालिबान इधर पिकनिक मनाने आए हैं। यार ये तस्वीर देखो जरा। लगता है मेरी नई वीडियो आई है और इसने मेरा बेल नोटिफिकेशन ऑन किया होगा कि इसको जहां भी जगह मिली उधर ही बैठ के देखने लगी है। इससे अगली न्यूज आ रही है हमारे पास टिकटॉकर्स के बारे में। अच्छा अच्छा सुन लो कोई बात नहीं। तो 14 अगस्त पे जो भी हुआ, हाँ मैंने भी उस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी, तेरे से पूछा मैंने चुप करके बैठ। तो जी 14 अगस्त पे जो भी हुआ उस वजह से पाकिस्तान के पार्क्स में टिकटॉकर्स का दाखिला मना कर दिया गया है। वो पहले ही होता था कि पार्क में कुत्तों का दाखिला ममनू होता था और अब। अच्छा खैर बस फिर आज के लिए हमारे पास यही न्यूज थी। हेलो ओ बात सुन, मुझे बता लाइक एम कितना दूं? ओ यार तंग ना कर, मुझे तंग ना कर, पूरा दिन ये गेम में खेलता रहता है, कर क्या रहा है? ओ भाई अपने गेमिंग चैनल के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। अच्छा वीडियो बना रहा है? हाँ यार बताया तो है कि गेमिंग चैनल के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो खैर बस फिर यही खत्म करते हैं आज की वीडियो, और आज की वीडियो थोड़ी सी अलग थी, अब तक तो पता आप लोगों को लग ही क्या होगा। तो बस फिर अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो यार। बात सुनो यार। क्या यार वो मेरा भी गेमिंग चैनल है, इनको बोल दे कि उसको भी सब्सक्राइब कर दे, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी, और इनको बोल दे कि इसको सब्सक्राइब कर दे। अच्छा यार कर दो, इसका जो भी है चैनल इसका भी चैनल सब्सक्राइब कर दो, और ये वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन तो फिर दोनों चैनल्स के दबाओगे ना। बस फिर अगर वीडियो देखकर जिंदगी में सुकून आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि सुकून लेने का हक हर बंदे का है। तो बस चलता हूँ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।